कॉन्स्टिपेशन या तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, इससे अगर आप परेशान हो तो कुछ सामान्य लाइफस्टाइल चेंजेस और सुबह सुबह कुछ सामान्य बहुत ही बेसिक लेवल के योगा अभ्यास करने से आपको इससे परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते कुछ ऐसे योगा, कुछ ऐसे व्यायाम जिसको आप सुबह सुबह उठ के कर लोगे। केवल 8 से 10 मिनट डेली का रूटीन है और जो कंस्टिपेशन के कारण से आपको पूरा दिन भर एक चिड़चिड़ापन रहता है, मूड ऑफ रहता है, मूड स्विंग होते रहते हैं, ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते पूरे दिन भर के काम पे, इससे आपको परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। और वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारे डायटरी टिप्स या तो कुछ नुस्खे बताता रहूंगा जो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला काम, सुबह सुबह जब आप उठते हो, अगर आपको नेचुरल कॉल नहीं आता जैसे सामान्य रूप में आना चाहिए, तो आप कुछ देर तक इस तरह से मलासन में बैठोगे। इसको बोला गया मलासन, मल त्याग करने का जो नेचुरल पोस्चर है, दैट इज ओनली मलासन। हमारे बॉडी का कुछ मैकेनिज्म है जो कि एक्टिव होता है और हमारा अपान वायु जो है, अपान वायु होता है वो वायु जो कि हमारे एक्सक्रेशन प्रोसेस को तेज करता है बॉडी से, तो इस पोजीशन में बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप ऐसे बैठ नहीं पाते हो, जैसे हमें फ्लैट फुट, बिल्कुल फ्लैट फुट बैठना है, अगर बैठ नहीं पाते हो तो आप इस तरह से बैठे हुए हो तो उसमें ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आप फ्लैट फुट ही बैठने की कोशिश करें। फ्लैट फुट बैठते हुए कई लोग पीछे गिरने वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इस तरह से कोई योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, जिस ब्लॉक को अपने हिप के नीचे सपोर्ट के हिसाब से लगाएंगे, फिर वो मलासन में बैठेंगे अगर वो पीछे गिरने वाले हैं। अगर नहीं है, फ्लैट फुट बैलेंस कर सकते हैं, तो आराम से बैठे। कितने देर बैठना है, इस पोस्चर में आपको करीब 2 से 3 मिनट बैठना है और इस पोस्चर में बैठे बैठे आपको सिप कर करके गुनगुना गर्म पानी पीना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है क्योंकि आपको उसके बाद कुछ व्यायाम भी करने होंगे। तो सुबह सुबह उठ के इवन आप मैट पे भी नहीं जा रहे हो, व्यायाम शुरू भी नहीं किया, तो पहले इस काम को कीजिए। इसके बाद 10-15 मिनट आपको थोड़ा सा गैप देंगे, 10-15 मिनट आप रुकेंगे, उसके बाद आप व्यायाम शुरू करेंगे, ठीक है। तो व्यायाम में हम क्या क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल के दोनों साइड में, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में, राइट लेग राइट साइड में, अपने कैपेसिटी के मैक्सिमम आप इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल व्यायाम बता रहा हूँ, मेरु वक्रासना, स्पाइन ट्विस्टिंग। सो इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे, एक्सहेल करते हुए आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो तक पहुँचने की कोशिश करोगे, ठीक है। नहीं छुआ जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट में क्या रखना है कि आपको पीछे देखना है, मैं जहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, अगर मैं खाली यहाँ तक भी पहुँच पाया कोई बात नहीं, मैं पीछे देखने की कोशिश करूँगा, नीचे इस तरह से फोरहेड को झुकाने की ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको ये करना, मेरु वक्रासना, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, डे बाय डे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका ये रेंज ऑफ मोशन और बढ़ता रहेगा और इफेक्टिवनेस भी आसन का और उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा, राइट। दोनों तरफ आप कम से कम 10-10 बार इसको करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 20 काउंट। ये आपके लोअर बैक पेन को भी ठीक कर देगा, सुबह सुबह स्पाइन के अलाइनमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। इसके बाद अगला अभ्यास जो आप करोगे, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे हम देखिए यहाँ पे एक साथ जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे नौका चालासन के अभ्यास, नौका चालासन। तो इसको भी हम करेंगे 20 बार, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा पीछे लीन हो जाएंगे, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए सामने देखेंगे जैसे हम एक नाव के चप्पू चला रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कॉम्पिटिशन में कायाकिंग होता है ओलंपिक में, तो उसी तरह से एक्सहेल आगे इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे इनहेल पीछे, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कॉन्स्टिपेशन या तो IBS की प्रॉब्लम में। फिर एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास और करना ही करना है और एग्जैक्टली इसी सिक्वेंस में करेंगे, सिक्वेंस को ऊपर नीचे मत कीजिए, हम करेंगे भू नमनासना ग्राउंड सैल्यूटेशन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इनहेल और फिर दोनों हाथों को रखेंगे अपने राइट साइड में 45 डिग्री के एंगल में, बिल्कुल पास में नहीं, डायगोनली पीछे की तरफ 45 डिग्री में हाथों को रखते हुए एक्सहेल करेंगे और फोरहेड को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। बहुत आसान है, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। तो ये अभी आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको करना है करीब 20 बार, 20 times, ठीक है। फिर आप करेंगे जानू शिरासना, उसका कुछ व्यायाम वाले वेरिएशन। हम यहाँ पे डायनामिक पोस्चर्स कर रहे हैं, हम आसनों में रुक नहीं रहे ज़्यादा देर तक, क्योंकि हमें प्रेशर को क्रिएट करना, बिल्डअप करना है कि सुबह सुबह नेचुरली हमें मोशन पास करना है, राइट। यहाँ से आप अपने दाहिने पैर को पूरा फोल्ड करके
इस तरह से लेके आएंगे अपने पेरिनियम के पास, हील को सेट करेंगे बिल्कुल, और यहाँ पे आप करोगे चक्की चालनासन वाइड लेग पोजिशन में। जो आपका खुली हुई पैर है लेफ्ट लेग, वहां से राइट की तरफ जाएंगे 10 बार ऐसे, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल। तो ये ध्यान रखिए जितना बड़ा सर्कल बनेगा उतना आपका इफेक्टिवनेस होगा। तो 10 टाइम्स आपको ऐसे करना है, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल, और इसके बाद जो करना है वो भी 10 बार, दोनों हाथ ऊपर अपने एक्सटेंडेड लेग लेफ्ट लेग की तरफ जाएंगे, सामने देखते हैं जितना नीचे जा सकते हो, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे इस फोल्डेड थाई के पीछे के तरफ, और एक्सहेल करते हुए फोरहेड को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। इसको भी हमें करना है 10 बार, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल और एक्सहेल। आपके पेट में अगर ब्लोटेडनेस हो रहा है, गैस जमी हुई है, तो आप देखोगे एक्सरसाइज करते हुए वो रिलीज हो गया और बहुत आराम फील होगा आपको, और थोड़ी देर में आपको प्रेशर भी बिल्डअप होगा। हाँ, बट ये कोई इमीडिएट रिमेडी नहीं है कि आज मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आज अभी क्या तो तुरंत प्रेशर बन जाएगा। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स के लिए है, जिनको क्रॉनिकली हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसको करते रहोगे तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत आराम से ये ठीक हो जाएगा। फिर ये जो आपका राइट पैर है, राइट पैर को हम रखेंगे यहाँ पे क्रॉस करके, ठीक है, अक्रॉस द लेफ्ट लेग, और राइट जो ये पैर है, फुट है, वो बिल्कुल फ्लैट फुट आना चाहिए हमारे मैट के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हो, आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा कि पैर को बिल्कुल सीधा करना, तो आप सिंपली अपोजिट हैंड से, जैसे मेरा राइट लेग है, अपोजिट हैंड बाएं हाथ से इसको ऐसे कस के पकड़ के रखेंगे, और एक स्टैटिक ड्रिल है, आपको पीछे देखना है 10 काउंट तक, जितना ज़्यादा रुक सकते हो उतना अच्छा है। जब हम रुकेंगे पीछे मुड़ के, उस समय आप श्वास चालू रखेंगे, श्वास को रोकना नहीं है, ठीक है। अर्धमार्जनासन कहलाता है इसको, और बहुत इफेक्टिव आसन है। इसी को आप चाहो तो, अगर आप क्लासिक तरीके से करना चाहते हो, तो पूरा लेफ्ट हैंड को रेस करेंगे, जो पैर ऊपर है ऑपोजिट हैंड को रेस करेंगे, एक्सहेल करते हुए एल्बो को ऐसे प्रॉपर लॉक करके फिर पीछे देखिए, इसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलेगी आपको, राइट। तो ये आपको कुछ चीज़ें करनी है। तो ये जो मैं आपको दिखाया हूँ एक लेग से, मतलब बायां पैर खुला है, दाहिना पैर फोल्डेड है, इसी पूरे सीक्वेंस को आपको रिपीट करना होगा राइट साइड से, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अंत में आप दो चीज़ और करोगे, मलासन में, जैसे सुबह सुबह उठने के बाद जो पहला आसन था, इस मलासन में बैठे हैं, तो मलासन में आपको करना है उदरकर्षण। हम एक एक घुटनों को ऐसे नीचे अपोजिट लेग के तरफ लेके जाएंगे, और हम मुड़ के पीछे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, पर ये मुड़ के पीछे देखते समय ध्यान रखे, मैं अगर लेफ्ट साइड में मुड़ रहा हूँ, तो लेफ्ट पैर को साइड में ऐसे खोलने नहीं देंगे, लेफ्ट पैर को वहीं पे, बायां पैर को वहीं पे होल्ड करके रखेंगे अंदर की तरफ, और केवल अपर बॉडी, हमने ट्रंक को घुमाना है, ताकि पेट में थाई का एक प्रेशर बने। जब मैं घूम रहा हूँ, अगर पैर भी घूम गया तो प्रेशर नहीं बनेगा, पैर को आगे की तरफ रखना है और पीछे देखना है। तो इसको आप करोगे 20 बार ऐसे, एक्सहेल इनहेल सेंटर एक्सहेल इनहेल सेंटर। तो ये आपका हो गया। लास्ट एक और अभ्यास आपको करना है, जिसको बोला गया जठर परिवर्तनासन, जिसमें कि आप लेट जाओगे अपने मैट के ऊपर आराम से, इस तरह से लेट जाना है, अपने दाहिने पैर को उठाएंगे बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, और इसको हम लेके आएंगे बाएं तरफ, बाएं हाथ से असिस्ट करेंगे, धीरे धीरे मोड़ते हुए बाएं तरफ लेके आएंगे, और आप अपोजिट साइड में, दाहिने साइड में देखने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपको 5 की गिनती तक रुकना है, 5 काउंट्स, फिर उठ के चेंज करेंगे। अभी बाएं पैर को हमने मोड़ लिया, राइट हैंड के असिस्टेंस के साथ इसको लेके आएंगे राइट साइड में, पीछे मुड़ के दूसरी तरफ देखेंगे, 5 काउंट्स, 5 4 3 2 1। तो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे अभ्यास है योग में, जिसको हम रेगुलर करने से हमारे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। केवल एक दिन दो दिन करने से रिलीफ नहीं मिलेगा, 15-20 दिन लगातार करके देखिए, सुबह सुबह करके देखिए, बहुत जल्दी से रिलीफ होगा। हाँ, खान पान के बारे में बता रहा था,
आपके रात के खाने में डाइटरी फाइबर्स को ज्यादा ऐड कीजिए, ग्रीन सलाद वगैरह ज्यादा खाइए, खीरा जरूर ऐड करें, सुबह सुबह उठ के भिगे हुए अंजीर इसको जरूर सेवन करें। इस तरह के कुछ डाइटरी चेंजेस भी आप अगर खाने पर लाते रहोगे, ज्यादा पानी पिए दिन में, तो आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राणायाम करना है आपको, एंग्जायटी मुक्त रहना है, जितना ज्यादा एंग्जायटी मुक्त रहोगे उतना ज्यादा आपका नेचुरल का जो बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम एक्सप्रेशन की बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप जरूर हमें बताइए, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी हम लेके आएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत सारे आसन हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त रख सकता है। मैं हूं योग गुरु अमलान। अगर चैनल में पहली बार हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी कुसुम योगा में।